और मुजाहिदीन अपने खेमे के तरफ लगे लगे गोपी चंद से लगे 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 सब गोपी चंद सा लग रहे जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और इंशाल्लाह रमजान भी करीब आ रहा है दोस्तों। बस दुआ करे अल्लाह हम लोगों के रमजान में रोजा रखने की भी तौफीक दे, हिदायत दे, पूरे शिकारियों को, पूरे यूट्यूबरों को, सबको रोज़ा रखने की तौफीक दे, हिदायत दे, हम लोग की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं। आज आए हम लोग शिकार करने की नीयत से भी आए हैं और कुकिंग करने की नीयत से आए हैं। बस लाइन पे जुड़े रहे और दुआ करें अल्लाह मेरी शिकार कामयाबी हो जाए और फिशिंग कुकिंग भी होने की कामयाबी हो गई। क्या हम लाए हैं देख सकते हैं आज? चलो ये क्या है? ये कोंडा है, ये तौड़ू। तो ये मेरा आज प्लेट आ गया है और इसके अंदर पूरे मसाला मटेरियल है। ये नमक तेल है, पूरे अदरक लहसुन पूरा मसाला है और हम लोग देख सकते हैं ब्रेड, ये ब्रेड भी आ गया है, बन है नहीं, बन है पूरे। आज हम लोग बैठेंगे और हमारे ताजो भाई भी आने वाले हैं अभी और हमारे साथी भी आए, हमारे फैयाज भाई हैदराबाद से है ना, और हमारे मामू साहब। और ये हमारा ये कढ़ाई मच्छी तलने के लिए लाया हूँ है ना। कहाँ से लाया वो कढ़ाई? घर से लाया हूँ। इंडियन है वो? इंडियन ही है ये। हाँ इंडियन का है, इंडियन में ऐसे ही रहता ना जी। हाँ ये चमचे चम्मच है और ये तो मच्छी पकड़ने का सामान है और चाकू उधर घुस गया है, देखो किधर से है, देखो चाकू कैसे घुस गया है। और चाकू है मच्छी कट करने वाला है और ज़्यादा कोई ये करे तो जंगल साफ भी होता, थोड़ा सा ये बदमाशी भी जब जब करता है। और कुछ ज़्यादा हुआ तो और भी कुछ साफ हो जाए। हाँ और ज़्यादा कुछ भी हो गया ज़्यादा तो वो काम में आता। ठीक है दोस्तों, लाइन पर जुड़े रहे, अब शिकार करेंगे, आटा मिलाएंगे, शिकार करेंगे। आज आज का शिकार बैट रहेगा, स्पेशल बैट रहेगा आज का, चेकअप बैट और निगाह हटाना नहीं और वो बैट से ही आज मच्छी पकड़ने वाला हूँ है ना। ठीक है, बैट हजारों में एक रहेगा आज। हाँ दोस्तों देख सकते हैं ये क्या है, आज मैं अलग बैट बनाने वाला हूँ। ये है गेहूँ का आटा है ये है ना, और इसे मामू जरा कोंडा देना, कोंडा ठीक है। हाँ ये है, हाँ तौड़ू तौड़ू। हाँ ये देखो ये हमारा तौड़ू है, ये तौड़ू बोले तो राइस पालिस कोंडा। और ये हमारा चावल का आटा है ये है ना। ये है चावल का आटा है, थोड़ा डालना है और ये तौड़ू यानी कोंडा है ये। ये हो गया दोस्तों मैजिक कार्प, एक मुट्ठी, देखो एक मुट्ठी डालना है, ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये डब्बी, ये डब्बी देखिए क्या है, ये देख सकते हैं, ये बेहतरीन होता है दोस्तों मच्छी के लिए, सीजन के हिसाब से बेहतरीन है ये। इंग्लिश में क्या की लिखा हुआ है ये? कोस्टर 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 कोस्टर, ये देख सकते हैं ना ऐसा रहता है। अब ये थोड़ा इसमें डाल देना, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा डालना है, ठीक है, थोड़ा डालना है, डालना है। अब इसको गोली के ऊपर भी डालना है, ये थोड़ा दूध डाल देता हूँ। ऐसा मिला देना है, अब हो गया दोस्तों, देख सकते हो गोले आटा कैसा हुआ, देख सकते हो अब माशाल्लाह जबरदस्त।
ऐसा जब से नहीं पड़ रही मुंह में साला बदमाश मामू मामू धमाका दे दिया आते की लेकिन हकीकत बोलो तो भाई तुम आज आए तो मुंह में लगी बच्ची को देखो इसलिए कहता है मेहनत करवा जो आदमी जो करता है ना कभी उसको कामयाब नहीं होती बैठे क्यों मुझसे बोलता बोले दो दिन के बाद आज मुंह में मच्छी लगी है देखो और मामू का गल देखो देखोगे यहाँ से लगती मच्छी गल को कई बोल तो दो दिन से जरा घास घिस आ रहा था ना मामू हाँ जी और मामू का गल देखो सब्बल है सब्बल है मामू का गल देख रहे हैं कैसा है मामू का सब्बल अच्छी गल को बांध रहा लग रही है केड़ी गल को बांध रहा मार रहा लग रहा है देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों हमारे मामू ने IPL में इसको मामू भर्ती लेना पड़ेगा लग रहा है पहला रहो हमारे मामू उठाए हैं बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है कितने बम डाल रहे मामू हम काम नापे नहीं है भाई पगार माप के डाल दिए चलो माशाल्लाह चलें मामू का सिर देखो कैसा है उधर भाग रहा है मामू का मार देखो कैसा है ताजो भाई 5-6 किलो की है मामू अरे मार दो कैसा लगा है वो भी घुस गए मामू भी छोड़ते हैं मामू मामू का गल भी तो कैसा है पर अगर बगर बनाया है लेकिन अच्छी लग रही है सही गल बने तो नहीं लग रहे शायद नहीं लग रही है टेढ़ा बना लग रही तो दोस्तों देख सकते हैं धूप आ रहा बराबर आ रहा ना अच्छी आ रही अच्छा रख सकते रहो 4 किलो रहती 4-4.5 किलो 4-4.5 किलो रहती रख सकते रहो अब इससे अब कटिंग होगा अब कटिंग होगा देख सकते हैं कैसा है इसको कट करूंगा खाऊंगा और खिलाऊंगा आज हम ताजो भाई को खिलाने वाला हूँ फिश कोई ताजो भाई को कोई बोला के खिलाता नहीं है बेचारा बहुत मेहनत करता है जी मुंडा मारो
करके बोलता है। ताजी फ्रेश मछली एकदम दोस्तों, ये ताजी फ्रेश मछली की ही खासियत रहती है। और ऐसा इंजॉय जंगल में है ना, जंगल के अंदर इंजॉय ऐसा करने से इंटरेस्ट होता है ना, और आप लोग भी कर सकते हैं इसी तरह। दोस्तों ये लकड़ी ला लिया मैं, इससे नहीं बन रहा था, नीचे चाकू खराब हो सकता था, इसलिए मैं अब ये लकड़ी लाया। हाँ कितनी डालेंगे देखो तो, रख लेते हो जाते हैं। दोस्तों ये हो गया मच्छी फ्रेश तैयार हो गया, अब ये कटिंग होके अब चलते हैं, इसे हम मसाला मिलाते हैं। लाइन पे जुड़े रहें, अब मसाला मिलाने वाला हूँ किस तरह। एक बार पढ़ लीजिए दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। चलो दोस्तों ये देख सकते हैं, अब इसे मिलाने वाला हूँ। ताजो भाई क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नमक कम डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, इतना है। बहुत हो गया है ना,
अब उसको पूरे मिला, वो नमक नहीं डालना, नहीं डालना, नहीं डालना आप, बस ये डाल दिया नमक दोस्तों। और दूसरी बात, ये मैं अदरक लहसुन डाल रहा हूँ, ये देखिए अदरक लहसुन, ठीक है डाल रहा हूँ। एक बार ये मिर्ची डाल रहा हूँ, देख सकते हैं मिर्ची कम डालना, तेज डालना भाई, मिर्ची डबल डालना, डबल हाँ। ये है हो गया दोस्तों, मिर्ची हो गया और ये हो गया हाँ, ये हो गया हल्दी, ये हल्दी, ठीक है दोस्तों। अब इसे क्या करने वाला हूँ, मिलाने वाला हूँ, जैसे पानी कर जाओ उधर, अब इसे मिलाने वाला हूँ, अच्छा इसमें मिला, हाथ लगाओ, हाँ लगाएंगे इससे अच्छा मिला के, हाँ इसमें है हम हाँ, और जनेरा आटा दे, फल फ्लावर किसको बोलता है जी, वो नहीं है तो थोड़ा चावल का, वही मक्का का आटा ना, चल हाँ, मेरा हाथ लहर रहा है बा। तो अब ये रेडी हो गया ये, और मसाला मिला के मैं रख देता हूँ इसको कितने मिनट, नहीं हम 15-20 मिनट हम रखते हैं धूप में इसको, हम धूप में रखने की वजह क्या होगा, मसाला अच्छा पिएगा और जब तलते वक्त कड़क होगा और ज़रा टेस्ट भी खिलेगा, ज़रा मसाला अच्छा पिएगा धूप में रखने से, है ना। ये अभी सूख रहा है, ये अब धूप लगा रहा हूँ इनको, ज़रा सूख रहा, हवा लगेगा, मसाला पिएगा, थोड़ा नमक मिर्ची मिलेगा। अब जब तक दोस्तों अब चूल्हा तैयारी करेंगे, जब तक एकदम बेहतरीन चलो मुंग रहा है, सिंगी खाए मजा आए, जंगल में से चू चू के घास खा रहा हूँ, यहाँ पे अंगार नहीं लग रहा है, अरे अंगार लग गया जी, अरे अंगार लगा दिया साला ये अरे अच्छा मामू हाँ। ये आटा ले, ये दाल को दबले और जब से ये आटा डालो, क्या वो मिला है वो क्या हाँ, मैजिक कार्ड वाला है, मैजिक कार्ड वाला उसी डाला, परसों क्या लगी थी ये थोड़ा हाँ। मिला था इतना डाला हाँ। था हाँ। सात रोहू पकड़ी थे उसमें हाँ। अब उस खत्म, मैं सोचा होगा यहाँ लेकिन हाँ। वो लाने के लिए भूल गया, ये आटा डालो हाँ। ये आटा डाल के तो मारो, अभी मारते देखो रहो, 100% मारते डालो इंशाल्लाह। हमारे ताजो भाई बैठे हैं हमारे, और ताजो भाई बैठा दिए, क्या ताजो भाई बैठते है, नहीं नहीं बैठो 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 ताजो भाई, दो घन दे दो बिठाए घन मिशी ना बुलेट दो सिंगा को रखा एक ही बात का यहां दा बोले आसा नीचे ऐसा घास है, नीचे नीचे हरा घास है, नीचे पड़े घास हरा नहीं रहता, वो बारिश जो पोचा रंग
दोस्तों देख सकते हैं ये दूसरी बार है ये, है ना। देखो ताजो भाई कैसा है मछली, माशाल्लाह दुआ दो ना साहब जरा। काली हो जा रही हो, टेस्ट नहीं आता उसमें? नहीं नहीं आता, वो काली नहीं होती वो मच्छी, खाली भाप पे गल जाती मौलाना। हाँ गल जाती, वो मसाला है ऊपर का जले सो जो है ना, वो मसाला है वो असल अंदर रहते। देखो लगे रहो लगे रहो मुन्ना भाई। एक बार हिलाए तो बस है, देख लेते ये हो गया। अब हमको इसमें क्या डालना है, मछली कह सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दिया, मछली डाल दिया हूँ, है ना। अब ये डाल देता हूँ इसमें पानी। अरे मैं चड्डी को हूँ, मेरी चड्डी के मतलब वीडियो खाली ऊपर काले, ये प्लेट देखना बस इस्माइल। ये है दोस्तों आज की फिश। अरे ऊपर के जो नीचे का नको यहाँ पे यहाँ बैठेंगे। हाँ राइट है, राइट ठीक है चलो। एक प्लेस पुरानी प्लेस है, आओ ये प्लेस है, आप करो आओ। खाना ले लिया यहाँ पूरे एक वर्ग है, तो छतरी रखना है बड़ा वाला। नमकीन है, स्वाद है, खाने में मजेदार है। एक बार खाइए दोबारा खाने का मन करेगा। अपने खाइए और घर के लिए संदेश लेके जाइए। झाल मोड़ी झाल मोड़ी, पैसे ले जाएंगे, पैसे ले जाएंगे। कवर हटाइए और कवर दिखाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह जबर जबर है। अरे हसन भाई जी मेरे से भाई बस 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 चलो तो मैं पानी में पानी में ए माला या ये पत्थर पे आ जा, एक प्लेट में खा लेंगे अपन दोनों। अभी दो दो प्लेट। दोस्तों बताओ कैसा आज बयान दो जी, आप क्या बयान दे, उनसे बयान क्या लेते हैं? साजो भाई बयान लेंगे, इधर से इधर साजो। मैंने ऐसा बयान गाने चल रहे पहले बोलेंगे वो किसको भी बोले तो हमारे को नहीं बुला रहे, शिकार पे नहीं बुला रहे, ये चरवाई कर को आए। बात है क्या? हाँ जरा मुझे जो नहीं ले गया ना यार, दो प्लेट है। आ बेटा गजब देर कहूंगा, चाबी भी छो गाड़ी रहा भाई, इस वक्त कत दे रहा है। अच्छा ये ना मामा ये सब तो दोस्तों ये आयो बता हेलो आ जाओ भाई बिस्मिल्लाह। मौली साहब ले निकल निकल पूरे निकल चला हां हेलो मौली साहब ले ले और ले आता। दोस्तों ये रोटी है और अच्छा इंजॉय आज का कैसा रहता हूँ बोलो? बहुत बेहतरीन रहता अल्हम्दुलिल्लाह। खाना जिस तरह से बना पहले खा लेता हूँ, बाद में बयान दूंगा ठीक है। भर के दोस्तों बहुत मजा आ गया और आज का इंजॉय हमारे मामू, हमारा ताजो और हमारा
क्या नाम है फयाज भाई, हम लोग सब मिलकर यहाँ पर एंजॉय करें। आप देखे होंगे आप लोग मैं किस तरह से पकाया और हम लोग सब मिलजुल कर खाए। इसको बोलते हैं मोहब्बत। क्या बोलते हैं? मोहब्बत बोलते हैं, मोहब्बत बोलते हैं। और इंसानियत की पहचान ये बोलते हैं कि हम लोग सब मिलजुल के मोहब्बत से रहे तो और पार्टी करे तो एक मोहब्बत अलग रहती। तो देखे होंगे दोस्तों कैसा आया, मज़ा आया, बहुत इंटरेस्ट मज़ा आया, साला ने पकाया सब चीज़ करा। तो बहरहाल ठीक है, देखेंगे वीडियो, अच्छी वीडियो लगे होंगे ज़रा लाइक और शेयर और कमेंट में बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छी वीडियो लगा देखने में आया तो माशाल्लाह लिखिएगा, और अच्छा कमेंट लिखे तो हमको फिर इससे भी और अच्छी वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे, है ना। अगर गलत वीडियो की बना है, सही नहीं बना है, तो उसमें भी आप कमेंट कीजिए कैसा बना, क्या बताओ जो भाई। बेशक बेशक, है ना। ठीक है, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। प्लीज जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।